इवनिंग एवरीवन, मैं तो सबसे पहले टीचर्स और अपने पेरेंट्स का थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मुझे चांस दिया कुछ करने का। ट्वेल्थ के साथ मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं दोबारा नीट दूंगी। तो मैं नवीन सर के पास आई तो सर ने कहा कि इसे एक और चांस दो, ये कर लेगी। अभिनव सर के पास आई, जब मैं यहाँ पढ़ती थी ना तो जितेंद्र सर मतलब केमिस्ट्री से ज़्यादा ना हमारे को पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत बताते थे, मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता था कि भाई केमिस्ट्री से ज़्यादा सर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज के टाइम में तो कोई भी नीट जेई सब कर लेते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनना आज के टाइम में बहुत वो है। सब मैंने प्रवीण सर से बात की कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सर कहते उनके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरा हो जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लास्ट में 600 से कम नंबर आ रहे थे तो डीएनजी सर मिले, सर कहते कोई बात नहीं तेरा सिलेक्शन पक्का है, 600-650 तक नंबर आएंगे। तो सारे टीचर्स ने मेरा पहले प्रेडिक्शन किया हुआ था, मेरे को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। थैंक यू।